इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज में जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं या प्रॉमिसिंग बिजनेसेस हैं उसमें ये इक्विटी स्टेक लेते हैं बाय पुटिंग मनी इनटू दोस बिजनेस। यानी प्राइवेट इक्विटी फंड्स में एंट्री लेने के दो रूट्स हैं। सिर्फ डिग्री से आपको काम नहीं चलेगा गाइस, इसमें आपको कुछ की स्किल्स भी ऐड करने होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, वैल्यूएशन हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गया, इस तरह के स्किल्स आपको आने चाहिए। इजिली गेट अ पैकेज ऑफ 50 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज, और उसके ऊपर वाले लेवल पे तो यू मेक्स इन करोड़, राइट। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स में अगर आपको करियर बनाना है तो क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की क्वालिफिकेशंस आपको अटेन करना है, किस तरह की सैलरीज आपको मिल सकती हैं और किस तरह का वर्क कल्चर रहता है, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट इक्विटी, जैसे नाम में ही इसका मतलब छुपा है, प्राइवेट इक्विटी यानी प्राइवेट कंपनीज में इक्विटी लेना। सो प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज में जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं या प्रॉमिसिंग बिजनेसेस हैं उसमें ये इक्विटी स्टेक लेते हैं बाय पुटिंग मनी इनटू दोस बिजनेस। यानी बिजनेस को फंड्स का रिक्वायरमेंट रहता है फॉर द नेक्स्ट लेवल ग्रोथ, और इन लोगों के पास पैसा रहता है तो ये अपना पैसा कंपनीज की इक्विटी में लगाते हैं। एंड दे टेक साइजेबल इन्वेस्टमेंट, दे डोंट टेक यू नो 1% 2%, रादर दे टेक 10-15-20% स्टेक एंड सम टाइम मोर आल्सो। अब फ्रेंड्स, इनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, यानी प्राइवेट इक्विटी फंड्स के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा टू पुट मनी इनटू प्राइवेट कंपनीज। जैसे गाइस, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, जैसे फंड्स नेम सजेस्ट, फंड्स मतलब ये लोग अपना एक फंड फ्लोट करते हैं, इसमें HNIs अपना पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा प्राइवेट इक्विटी फंड्स में लगाते हैं और उस फंड को प्राइवेट इक्विटी डिप्लॉय करती है आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स में। एंड दे चार्ज सम फीस, यानी फंड मैनेजमेंट फीस ये लोग चार्ज करते हैं, ऑल्सो जो भी प्रॉफिट्स होता है इन्वेस्टमेंट में उसका एक पार्ट प्राइवेट इक्विटी फंड्स को जाता है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स में हम लोग करियर कैसे बना सकते हैं, यानी हम लोग उसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में एंट्री लेने के दो रूट्स हैं। पहला रूट ये है कि आप या तो किसी टॉप MBA स्कूल से आपने MBA किया है, या फिर आपने कोई CFA जैसा डिग्री लिया है, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री है, तो यानी टॉप फाइनेंस डिग्री आपके पास है, तो उसके बेसिस पर भी आपको एंट्री इजी होता है। बट सिर्फ डिग्री से आपको काम नहीं चलेगा गाइस, इसमें आपको कुछ की स्किल्स भी ऐड करने होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, वैल्यूएशन हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गया, इस तरह के स्किल्स आपको आने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, बिकॉज यू नीड टू डील विद द यू नो क्लाइंट्स एंड द कंपनीज, राइट। सेकेंड गाइज, सेकेंड रूट है एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी अगर आपने इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया है, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे आपने किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया है, तो वहाँ से भी आपको PE फंड्स में एंट्री मिल जाता है, राइट। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्राइवेट इक्विटी फंड्स में एंट्री ले सकते हैं। अब बात आती है सैलरीज की। फ्रेंड्स, सैलरीज काफ़ी लुक्रेटिव रहती हैं PE फंड्स में, यानी अगर आप एज अ एंट्री लेवल पे भी बात करें तो नॉर्मली जो सैलरीज का रेंज रहता है वो 15-20 लाख रुपए रहता है, प्लस इंसेंटिव काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कि इसमें वेरिएबल पोर्शन भी अच्छा खासा आपको मिलता है। यानी अगर आप जितना अच्छा डील क्लोज करेंगे, जितना अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करेंगी, उसका एक पार्ट आपको एज अ वेरिएबल कॉम्पनसेशन भी मिलता है। एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे इस इंडस्ट्री में, आपका पैकेज भी इंक्रीज होता रहेगा। यानी स्टार्टिंग अगर हम 15-20 लाख से की बात कर रहे हैं, तो एट मिड लेवल 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू कैन ईजिली गेट अ पैकेज ऑफ 50 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज, और उसके ऊपर वाले लेवल पे तो यू मेक्स इन करोड़, राइट। तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम, बिकॉज पैसा ज़्यादा है, तो डजेंट मीन कि वहाँ पे मतलब इट्स अ ईजी मनी, राइट। वहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स भी ऑब्वियसली थोड़े टफ रहते हैं, यू नो यू हैव टू ऑलवेज स्काउट फॉर द बेस्ट डील, यू ऑलवेज हैव टू मॉनिटर यू नो योर इन्वेस्ट एंड ऑल, तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी हिसाब से ज्यादा रहता है। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो वर्क कल्चर प्राइवेट इक्विटी फंड्स में काफी हेल्दी रहता है, टीम साइज बहुत बड़ा नहीं रहता, 15-20 लोगों का टीम रहता है नॉर्मली, बिकॉज आपको बहुत फ्रिक्वेंट डील्स नहीं करना होता, राइट। आपके पास एक फंड्स है जिसको आपको यू नो अच्छी कंपनीज में डिप्लॉय करना है, फिर उसको मॉनिटर करना है, तो यू नो स्मॉल साइज टीम, बट यस वर्क प्रेशर तो रहेगा, एंड एट द सेम टाइम यू नो
पीपल कॉम्पीट फॉर द बेस्ट डील्स, तो वो तो रहता है क्योंकि आपका इंसेंटिव उसके साथ जुड़ा हुआ है, बट एट द सेम टाइम यू नो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिलती हैं आपको ग्रो करने की। सो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रीफ अबाउट प्राइवेट इक्विटी फंड्स। आई होप आपको एक फेयर आइडिया लगा होगा कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स में एग्जैक्टली होता क्या है और उसमें हम कैसे करियर बना सकते हैं। सो और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।